वैसे गाइस आई होप यू आर वेल, आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलॉर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है, छाता और जो दिमाग होता है उसकी उपयोगिता तभी है जब वो खुले रहते हैं, अगर वो बंद हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बारिश हो रही है, आप लोगों ने छाता बंद कर रखा है, जब जरूरत है दिमाग यूज करने की आप लोगों ने अपना दिमाग बंद कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उनको समझ ही नहीं रहे हैं कि उनकी जरूरत क्या है और कैसे आप लोगों को यूटिलाइज करना है। जिस दिन आप लोग सही जगह पर अपने सही माइंडसेट को यूज करना समझ गए तो आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के अंगूठे के नीचे आप लोगों को मिलेगी। हमेशा प्रॉब्लम तब आप लोगों के सर पर चढ़ती है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग आप लोगों को मिल जाएंगे, जब किसी दूसरे की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अपना पूरा दिमाग चलाते हैं कि यार उसको ये कर लेना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था, पर लेकिन जब सेम प्रॉब्लम अपने साथ में होती है तो हमारे सारे दिमाग के चक्षु जो है वो बंद हो जाते हैं जरा सी देर में। तो ये एक इंसान अपने दिमाग को शांत रखकर अगर काम करना सीख गया, चाहे प्रॉब्लम दूसरे की हो चाहे अपनी हो, कि मुझे ये सॉल्यूशन इसका निकालना है, इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, वो इंसान कभी भी लाइफ में एक छोटे मुकाम पर नहीं रुकेगा, वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा अपनी लाइफ में। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं या फिर आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं और किस तरीके से आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे लाइफ में, तो वो आप लोगों को सोचना है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि हाँ अपनी प्रॉब्लम को भी ऐसे देखना है कि जैसे बाहर वाला कोई पर्सन देख रहे हैं तो उसे सॉल्यूशन आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके चीजों को देखना स्टार्ट करो, मतलब कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो ये देखो कि यार ये अगर किसी दूसरे की लाइफ में होती तो मैं इसको कैसे देखता। तो अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालो और ऊपर जाकर प्रॉब्लम के देखो, जब तक आप लोग उसके अंदर घुसे रहोगे आप लोगों को सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग घिरे रहोगे और वही चीजें सोचते रहोगे बार बार। तो इसलिए उसको थोड़ा सा एक तीसरे पर्सन के एंगल से सोचो तो आप लोगों को उसका सॉल्यूशन समझ में आने लगेगा। तो ये चीज मैंने भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की है, आप भी देखो, हो सकता है कि फायदा जरूर होगा। कल था 12 जनवरी और मैंने आप लोगों से पूछा था स्वामी विवेकानंद जी की जो एक प्यारी सी कोट आप लोगों को कौन सी लगती है, तो मुझे ये वाली काफी अच्छी कोटेशन लगती है, उठो जागो और तब तक मत रुको यार जब तक आप लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर सुबह को आप लोग जिस टाइम पर उठते हो उससे लेकर शाम तक अपने लक्ष्य के बारे में सोच सोच कर ही आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को हर एक वो काम करना है जो आप लोगों के लक्ष्य के पास में ले जाता है, और आप लोगों को हर एक उस काम से दूर रहना जो आप लोगों के लक्ष्य से दूर रखने का काम करता है, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो उससे आप लोगों को अपनी डिस्टेंस बनाकर रखनी है। पर लेकिन जो भी चीज आप लोगों के लक्ष्य के पास ले जाती है बस उसी से चिपक जाना है आप लोगों को, और जब तक आप लोगों को लक्ष्य ना मिल जाए तब तक उस चीज को छोड़ना नहीं है। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली तो आप लोगों का मुकाम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे काफी पर्सनली काफी अच्छी कोटेशन लगती है मुझे, जो कि एक दोनों कहती है दिल के करीब है, तो ये वाली कोटेशन मुझे काफी अच्छी है। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी की सारी ही कोटेशन अगर आप लोग देखोगे तो वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने लायक है, तो उनमें से किसी को भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ में हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करो, एक दिन होता है, हर एक नया दिन आप लोग एक मौका देता है खुश रहने का, तो इसमें रिलीजन, कास्ट, धर्म वगैरह मत देखा करो, जो भी त्योहार मिले उसको सेलिब्रेट किया करो और फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे आप लोगों को जिसमें आप लोग एक और दिन मिलेगा खुश रहने का, तो इसलिए अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो, बस एक खुशी का मौका ढूंढिए उसमें कि यार आज खुश होने का एक और मौका मिल गया। ठीक है, तो खुश होने का कोई भी मौका मत छोड़िए जहां पर भी आप लोगों को मिले। तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ माई जो लवली एसएलवी फैमिली है, सब इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और अच्छे से फेस्टिवल सारे सेलिब्रेट कीजिए। तो आइए आज के लेक्चर का खाका देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने, तो ये तो डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और भी काफी कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक बार आप लोगों ने बिना ऑप्शन के क्वेश्चन के आंसर देना सीख लेना तो फिर ये देखिए एग्जाम में तो आप लोगों को हलवा लगेगा, यानी कि ऑप्शन होंगे उनको देखकर आप लोगों को आंसर देना है, यहाँ पर बिना ऑप्शन के आप लोगों को आंसर देना है। तो इसलिए अपना जो नहीं कहते कि अपने मेहनत में ही एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो कि इतना पसीना बहा लो ताकि उस टाइम पर एग्जाम में बैठकर आंसू ना बहाने पड़े, तो इसलिए इस तरीके से तैयारी करो कि एग्जाम में और भी आप लोगों को आसान लगे चीजें। तो बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किसके साथ मिलकर 30वां नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है ये फंक्शन अभी यहां पर ऑर्गेनाइज करवाया है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ में मिलकर काम कर रही है। एक काफी इंटरेस्टिंग बात मुझे देखने में मिली, एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर वीडियो देखने वाले सुबह उठे या नहीं उठे, पर लेकिन डिसलाइक करने वालों में पूरा डेडिकेशन है, वो सुबह को उठ के प्रॉपर डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये बोला कि सर हमसे ज्यादा डेडिकेशन तो इनके अंदर रहता है, तो देखो अब आप लोग कि चिढ़ने वालों में ज्यादा डेडिकेशन है कि पढ़ने वालों में ज्यादा डेडिकेशन है, तो ये होना चाहिए। तो आप लोग कहां पर हो, तो आप लोग देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर भी सेटअप की गई है एक एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो आप लोग यहां पर ये एकेडमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है
जिसको डिप्टी गवर्नर जो थे पहले फॉर्मर उनकी अध्यक्षता में बनाया गया है। तो ये कौन थे इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारी कमेटी और कई सारी ऐसी जो रिपोर्ट्स वगैरह प्रस्तुत की जाती हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, और बैंकिंग हालत की जो खस्ता हालत चलती है तो उसके चलते भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे एक एक्साइज के बारे में। हमारी कंट्री में एक्साइज जो थी 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये हर दो साल में एक बार होती है। 2019 में जनवरी में हुई तो फिर 20 में नहीं हुई, अब 2021 में ये जनवरी में हो रही है। तो ये जो एक्साइज है हमारी कंट्री में इंडिया में लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी फिलहाल इसका नाम बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा नोटिफिकेशन यहां पर इशू किया गया है, ताकि एक तरीके से जो आईडीपी है हमारी कंट्री के लोगों का उसको यहां पर उनको प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये आईडीपी क्या है और ये मिनिस्ट्री कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को सुनकर काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी कि ऐसा भी है। तो इसीलिए मैंने यहां पर दोनों को छुपाया, क्योंकि अगर आप लोगों को एक भी बता देते तो आप लोग दूसरे को समझ जाते, तो दोनों ही आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा जब न्यूज डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा भी सेटअप किया गया यहां पर एक डेटा, ठीक है, स्टोर डेटा जिसमें सारे व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये इसका नाम आप लोगों को बताना है, हालांकि पुराना है ये पर इसका नाम आप लोगों को बता होना चाहिए ये क्या है। नेक्स्ट कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप यूज किया गया है, अभी यहां पर एक तरीके से यूज किया गया, लॉन्च किया गया है, तो आप लोग भी अपने फोन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है इससे मिनिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर, गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसकी जो स्कीम रहेगी वो भी आप लोगों को फोन पर देखते रहेंगे। ये iOS और जो एंड्रॉइड दोनों फोन के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ में यहाँ पर अभी महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखिए, अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है ना, तो ऐसे पॉइंट आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो बात की जा रही है जो वुमेन है ऐसे एरिया में रहते हैं जहां सलम है, यानी कि झुग्गी झोपड़ी है, और इसी के साथ में काफी कंजेस्टेड है, यानी कि काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो अगर उनको पीरियड साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन जो डे होते हैं, तो उसमें काफी दिक्कत होती है उनको अगर पैड वगैरह जो है चेंज करनी हो कहीं पर, तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर दी जा रही है। तो यहां पर महिलाओं को, ये नेचुरल चीजें हैं, इसी की वजह से धरती पर जीवन हो पाता है, हम जैसे लोग इस धरती पर आते हैं, और उसी के चलते उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। उसमें कई सारी जो औरतें हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि बहुत सारी औरतें हमारी कंट्री में इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें इंफेक्शन हो जाता है, उनको प्रॉपर वे में इसकी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते उनकी जान चली जाती है। तो जान है तो जान है, ये सारी चीजें अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए और प्रॉपर वे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होती क्या है चीजें। तो इसी के बारे में पैडमैन मूवी आई थी, तो वो इसी टैबू को सोसाइटी का खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तो इसका नाम रखा गया एक रूम करके, यानी कि ये पब्लिक टॉयलेट रहेगा और उसमें एक सेटअप किया जा रहा है ताकि यहां पर ये रूम यहां पर बनाया जाए, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले तो वहां पर जाकर ये अपना पैड वगैरह जो भी है उसको चेंज कर सके, क्योंकि एक मंथली साइकिल होती है जिसकी वजह से एक नेचुरल चीज है, जिसकी वजह से आज की डेट में जो पृथ्वी पर जो इंसान पैदा होते हैं तो ये उसका एक पार्ट है और इसी को अपवित्र माना जाता है। ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, यानी कि जिसकी वजह से हम जैसे लोग इस धरती पर हैं उसकी वजह से उसको अपवित्र माना जाता है। इसकी वजह से महिलाओं को मंदिर में एंट्री नहीं करने दी जाती कई जगह, उनको इस तरीके की चीजें आप लोगों ने देखा, किचन में एंट्री नहीं करने दी जाती और तो और, तो ये भी कई सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो ये हमारी सोसाइटी में, ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी ने अब की बारी पूछा, तो एक तरीके से ये सारी सिचुएशन आज के में कम से कम हम लोगों को कम करनी है और इनको जनता तक पहुंचाना है इन इंफॉर्मेशन को कि हाँ ये क्या है। मेरा इसमें क्या क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि जो किसान है हमारी कंट्री में उनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है गांव लेवल तक ये चीजें पहुंचाई जाती है। 2015 में ये स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसका नाम बताना है मेरा। तो यहां पर इसको फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो ये है आज का डिस्कशन, और इसी के अलावा और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो जहां जहां पर भी आती रही चीजें अब उनके आंसर आप लोग देते रहना, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डिफेंस की न्यूज के साथ में स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट भी न्यूज है और इंटरेस्टिंग भी है और कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी सी विजिल एक्साइज के बारे में बात की जा रही है। तो जो सी विजिल एक्साइज है ये हर दो साल में एक बार देखने को मिलती है और पैन इंडिया एक्साइज है, यानी कि हमारी कंट्री के फोकस में रखते हुए ये एक्साइज जो कोस्टल डिफेंस एक्साइज है जिसका नाम रखा गया सी विजिल। विजिलेंस कमिश्नर का नाम सुना होगा ना, एक तरीके से निगरानी करने वाला, तो समुद्र वाले एरिया में निगरानी करने की बात की जा रही है। अपनी कंट्री का अगर आप लोग एरिया देखेंगे कोस्टल एरिया, तो टोटल मिलाकर 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये जो बाउंड्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, तो टोटल मिलाकर अगर इस बाउंड्री को देखेगा, इसके बारे में शायद मैंने लिखा भी है कहीं पर, ठीक है, तो यहां पर एक सेकेंड, ये सारी ऐसे पॉइंट आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है
7516 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है हमारी कंट्री की, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है ये सिक्योर करने की काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते यहां पर 2019 में एक्सरसाइज स्टार्ट की गई, जिसके चलते हमारी कंट्री में लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये क्या काम करती है, ये यहां पर जो कोस्टल एरिया को तो यहां पर एक तरीके से उसको सेव करने की कोशिश करती है, इसी के साथ में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है उसके ऊपर भी फोकस देकर चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, अगर आप लोग उसे पूछो इसको डिफाइन करो तो डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं, चलिए जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा सा मैं बताता हूं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आप लोगों के। ये एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन होता है, सबसे पहले तो ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि हाँ भैया ऐसा कोई जोन होता है। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के द्वारा 1982 में यानी कि 1982 में यहां पर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज जो यहां पर है इसके रिलेटेड यहां पर लॉ है कि जो सी है यानी कि जो समुद्र है उसके अंदर किसका क्या क्या एरिया होना चाहिए। तो ये जो एरिया है यहां पर खासकर जैसे हमारी कंट्री होगी तो एक सोवरन स्टेट हो गया, इंडिपेंडेंट अपने रीजन हम लोग अपने आप ले सकते हैं, तो उसके कुछ स्पेशल राइट होंगे यहां पर इसके बारे में। यानी कि जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हमारा कोस्टल एरिया यहां पर खत्म हो गया उड़ीसा में, अब यहां पर कहां तक हमारे राइट है, तो वो हमारे जो हक है यहां पर समुद्र से अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से इसको काउंट करके चलते हैं, तो बाउंड्री से अंदर चलते हैं। तो पहला अगर बात करें यहां पर जो टेरिटोरियल सी होता है यानी कि हमारी कंट्री की जो जमीन है थोड़ा यहां तक आ रही है, तो ये लगभग यहां पर जो 12 न्यूटिकल माइल तक यहां पर टेरिटोरियल सी देखने को मिलते हैं। फिर कॉन्टिगुअस जोन होते हैं यहां पर, ये 24 न्यूटिकल माइल तक, और इसी के अंदर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप लोग इसको बोलते हैं, ये होते हैं यहां पर 200 न्यूटिकल माइल तक, ठीक है। तो इसमें एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट जो सेल्फ होती है उसके अंदर यहां पर इसको काउंट किया जाता है, जिसमें हमको हक रहता है कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसी के साथ में जो मैरीन रिसोर्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, वाटर और विंड एनर्जी भी हम लोग यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पावर देता है हम लोग को इंटरनेशनल लॉ जो यहां पर यूनाइटेड नेशन का ये लॉ है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी हम लोग अपना फोकस रखते हैं जो हमारे पास में है। तो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, इसको यूएनसीएलओ यानी कि यूएन क्लोज के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं, जो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है उसको डिफाइन करता है 200 न्यूटिकल माइल्स तक, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो वहां पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है, तो ये एंटायर जो कोस्टल एरिया उसके लिए तो है ही है, इसी के साथ में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए भी है। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए इसी तरीके से कंफ्यूजन में डालकर कि सी विजिल एक्सरसाइज हमारी कंट्री में ये यार कोस्टल एरिया को सेव करती है, बिल्कुल सही है, पर लेकिन लिख देगा ओनली कोस्टल एरिया के लिए, तो ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए भी यहां पर काम करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है आप लोगों के सामने। कुछ और इंफॉर्मेशन थोड़ी डिटेल में यहां पर समझते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सी विजिल 21 इनके 2021 में जो सी विजिल अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो टोटल मिलाकर 13 कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। मैंने अभी आप लोगों को कोस्टल स्टेट के बारे में बताया, तो 9 हो गए यहां पर कोस्टल स्टेट, बाकी के जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ ही मिलकर यहां पर काम किया जाता है। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी यूनियन टेरिटरी हो गया दमन एंड दीव, पोंडिचेरी हो गया यहां पर, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार हो गया यहां पर जो कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, और लक्षद्वीप आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया मिलकर काम करते हैं, कोस्टल एरिया जहां जहां पर भी हमारी कंट्री का है तो वहां पर काम किया जाता है। तो इसी के साथ में इंडियन जो नेवी है, कोस्ट गार्ड, बाकी जो कस्टम एंड अदर जो मैरीटाइम एजेंसी है जो खासकर इसमें एक्साइज के अंदर पार्टिसिपेट करती है, इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ऑयल हैंडलिंग जो एजेंसी और एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी आसपास वाले जो एरिया के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एसिड्स जो है एक तरह असिस्ट करते हैं, इनके मिलकर काम करते हैं ये वाले, और प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं यहां पर ये वाले। तो इसी के चलते कोशिश ये रहती है कि हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को सुधार सकें। एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं यहां पर ट्रोपेक्स। तो यहां पर थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल ये एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है एवरी 2 ईयर। तो यानी कि जो ट्रोपेक्स हो गया और सी विजिल हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी कंट्री में, ताकि एंटायर जो कोस्टल एरिया है उसको हम लोग सिक्योर रख सकें और पीस के पॉइंट ऑफ से चीजों को यहां पर मेंटेन रख सकें। अगर ट्रोपेक्स के बारे में आप लोगों से बात करूं, तो यहां पर एक तो फुल फॉर्म इसकी आप लोगों को याद रखनी है, तो यहां पर बोला गया थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। तो ये एक इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी कंट्री में, जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा मिलकर कंडक्ट कराई जाती है, ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लिए हम लोग तैयार रह सकें। तो इस तरीके की हरकतें कोई फ्यूचर में देखने को मिले तो उसको टैकल कर सके। तो ये न्यूज मैंने चारों तरफ से आप लोगों को बता दी। अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाए तो इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे एक्सरसाइज के बारे में पूछे कब कब और किस किस के लिए है, चाहे आप लोगों से यहां पर एक्सक्लूसिव जोन के बारे में पूछे, या आप लोगों से ट्रोपेक्स, या फिर आप लोगों से यहां पर सी विजिल के बारे में पूछे किस किस के लिए है,
तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोस्टल एरिया के बारे में बताया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है ट्रांसपोर्ट के बारे में, पर ट्रांसपोर्ट भी हमारी कंट्री से रिलेटेड भी है और इसी के साथ में बाहर की कंट्री से रिलेटेड है। ये इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को जानने में लगी थोड़ी सी। बात की जा रही है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। अगर हमारी कंट्री का कोई सिटीजन यूएसए में जाता है या फिर किसी और कंट्री में जाता है और वहां पर वो ड्राइविंग करता है, तो उसके लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की बात की जाती है। तो ये किस कंट्री में कौन देता है? तो नॉर्मली से हमारी कंट्री का अगर कोई सिटीजन जा रहा है तो सबसे पहले परमिशन हमारी कंट्री से मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो यहां पर इश्यू करती है नोटिफिकेशन, ताकि एक तरीका एश्योरेंस दिया जा सके कि इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट पर्टिकुलर पर्सन को जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, अगर कि ये एक तरीके से रिन्यू भी किया जाता है, तो अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर इसको रिन्यू भी किया जाता है। तो अब तक अगर बात करें अगर किसी को रिन्यूएबल कराना है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल अलग फंडा था, अब इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, तो उसी के बारे में ये न्यूज है। तो कौन सी मिनिस्ट्री का काम हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है। अब तक क्या होता था, इसके लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं थी कि वो अगर कोई पर्सन अगर अब्रॉड में रह रहा है, कहीं दूसरी कंट्री में है और वहां पर उसका ये एक्सपायर हो गया है आईडीपी यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो उसको इंडिया के अंदर आकर ही उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता था, ये इसका कोई ऐसा तरीका नहीं था। पर लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट किया गया और अभी यहां पर रिसेंटली जो इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं जो इंडियन एम्बेसी या फिर इंडियन मिशन है अब्रॉड में, यानी कि एक तरीके से अब्रॉड में अगर कोई हमारी कंट्री का जहां पर एम्बेसी होगी, हमारा जो मिशन होगा जहां पर हमारी कंट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो उनके लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया था। तो वहां पर जाकर अब आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, और वो एप्लीकेशन जो होगा वो वाहन पोर्टल पर यहां पर पहुंचेगा इंडिया के अंदर में। वाहन पोर्टल जो है हमारी कंट्री में, ये एक तरीके से जो बेसिकली कंसीडर किया जाता है, अगर इसमें कुछ चीजें आती हैं किसके द्वारा, आरटीओ के द्वारा। आप लोगों ने सुना होगा यार आरटीओ मिल गया था, रास्ते में चलान हो गया उसका। अच्छा, ये आरटीओ की फुल फॉर्म तो बताइए जरा, जब न्यूज खत्म होगी उसके एंड में आप लोगों को बताऊंगा, देखता हूं कितनों को पता है। वैसे ही आरटीओ आरटीओ चिल्लाते रहते हैं, पता भी है, ठीक है। इसी के साथ में कि वो ना आईसीयू में भर्ती हो गया, आईसीयू की फुल फॉर्म बताएं, बताइए आरटीओ और आईसीयू की फुल फॉर्म क्या है। ये बेसिक ऐसी टर्म्स होती है जो हम लोग कई बार बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते हैं, पर लेकिन अगर एक्चुअल में हम लोग बात करें तो इनके बारे में पता नहीं होता है, तो ये फोकस देने वाली बातें होती हैं, तो बताइएगा इनके बारे में। अगर बात करें इंटरनेशनल जो ड्राइविंग परमिट है, ये कोरियर किया जाएगा जो सिटीजन को, हिज और हर एड्रेस जो भी विदेश में जहां पर भी रहते हैं, तो रेस्पेक्टिव जो आरटीओज हैं, यानी कि जिस भी एरिया में जो आरटीओ है जिसके पास में आएगा, तो फिर यहां पर उस तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यानी कि अब उसको इंडिया में वापस आकर इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, उसका वहीं पर ही रिन्यूअल जो परमिट है उसके घर पर पहुंच जाएगा। तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी कंट्री के जो सिटीजन है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, पहले इसके लिए अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन है उसके लिए पहले मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत थी, और इसी के साथ में जो वीजा होता है उसकी भी जरूरत पड़ती थी यहां पर, तो इसको रिक्वेस्ट करने के लिए अगर आईडीपी आप लोग यहां पर करना चाहते हैं, अब ये कंडीशन भी यहां पर रिमूव कर दी गई है, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से पूछें, अगर पासपोर्ट आप लोग बनवाते हैं तो पासपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इश्यू किया जाता है, और अगर वीजा आप लोगों को यहां पर बनवाना है, ठीक है, तो वीजा यहां पर ये किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? हमारी कंट्री में अगर कोई वीजा इश्यू करेगा इसके लिए, तो कौन इश्यू करेगा यहां पर ये वीजा, और पासपोर्ट कौन इश्यू करेगा, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के, पहले बता चुका हूं आप लोगों को, जिनको नहीं पता है कल रिवीजन हो जाएगा। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, आप लोग उनका आंसर ही पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो अगले दिन बताऊंगा ही बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हाईवे के द्वारा एक सेंट्रल डिपोजिटरी, यहां पर एक तरीके से इसको वाहन का नाम दिया गया है, ये एक तरीका डेटा इकट्ठा करने का, एक आप लोग एक मोनी बोलते हैं जिसे पुराने टाइम में आप लोगों ने सुना होगा कि बक्से में सारे कागज पत्र पड़े हुए हैं, तो ये बक्सा ऐसा है यहां पर जिसमें सारे व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो वाहन जो है ये नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री है हमारी कंट्री में, जो कि ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी यहां पर रोड जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो अथॉरिटी है उनको ईजिली एक्सेस हो जाए, और इसी के साथ में बहुत सिटीजन और रेगुलेटर को भी यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि इसको अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये डेटा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये है पॉलिटी के बारे में, और जो आरटीओ होता है उसको बोलते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी बोलते हो कई बार आप लोग इसको, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। ये भी कई बार छोटी छोटी सी न्यूज होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, डिजिटल कैलेंडर, सारी चीजें डिजिटल हो रही है आज के में, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन इलाज करवा लो, ऑनलाइन भैया सारा सामान खरीद लो, मतलब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो अब कैलेंडर भी यहां पर ऑनलाइन रहेगा, इससे फायदा भी है, खासकर अगर देखा जाए तो कम से कम आप लोगों को यहां पर कागज खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसे भेजा छुट जाएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में, इनके द्वारा यहां पर ये डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है।
तो गवर्नमेंट जो है यहां पर ये पहले वॉल कैलेंडर यहां पर बेसिकली इशू किया करती थी जो कि आप लोग दीवार पर सजा सकते थे, पर लेकिन अब ये मोबाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मोबाइल फोन में ये कैलेंडर जो कि डिजिटल कैलेंडर इसे बोल गए, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, यानी कि पेड़ पौधे जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फायदे क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है नंबर वन, ये हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ में आप लोगों को 11 और लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जो इसका 15th जो यहां पर भी 15th ऑफ दिस मंथ यानी कि 15 जनवरी से आप लोग यहां पर ये अवेलेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर बोला गया है कि ये ऐप जो होगा वो गूगल प्ले स्टोर यानी कि जहां से एंड्रॉयड ऐप आप लोग यूज करते हैं डाउनलोड करते हैं, और iOS जो कि एप्पल के लिए यूज किया जाता है, तो दोनों के लिए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैलेंडर जो है यहां पर ये एवरी मंथ आप लोगों को इसमें थीम देखने को मिलेगी, और लगभग 100 के करीब जो रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है गवर्नमेंट के उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। अब ये डिजिटल कैलेंडर जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के साथ मिलकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है इनके द्वारा मिलकर यह तैयार किया गया है। तो क्या है कैलेंडर, किस लैंग कितनी लैंग्वेज में इशू किया जा रहा है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कितनी लैंग्वेज में इशू किया जा रहा है, तो यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री इसको बेसिकली इशू करती है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाएंगी। तो कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप लोग सर्च कराते रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो तुरंत आंसर देकर आप लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, सोशल इशू के बारे में बात की जा रही है, जैसे आप लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी में तो ये चीजें पूछी जाती है नॉर्मली, तो इसके बारे में आप लोग इसको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। क्या है, पीरियड रूम के बारे में बात की जा रही है, पीरियड रूम, तो यहां पर कहां पर है ये अभी न्यूज में, तो महाराष्ट्र के अंदर थाने डिस्ट्रिक्ट है, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी यहां पर जो वुमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं जो स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहती है, और खासकर ऐसी जो भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ी है, तो उनको यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है पीरियड रूम की, ताकि अगर उनको यहां पर इस टाइम पर अपनी जो ये भी यहां पर जो भी पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज करना है तो आसानी से वो यूज कर सकें, क्योंकि बड़े कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, एक ही टाइप की वो झोपड़ी सी कोई रहती है, उसी में वहां पर सारे बच्चे घर वाले सब कुछ उसी में रहते हैं, वहीं खाना पीना वहीं सारी चीजें उनकी चलती हैं, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए ये इस तरीके की कोई एक्टिविटी करना। तो इसी के चलते यहां पर कई सारी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि जो मासिक धर्म है यानी कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसमें स्वच्छता बनी रहे, और इसकी वजह से जो औरत है उसको कोई बीमारी ना लगे और इसकी वजह से उसकी जान ना जाए। तो कई बार जो वेजाइनल इंफेक्शन है उसकी वजह से हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जान जाती है ये माना जाता है, यानी कि हमारी कंट्री में ये काफी ज्यादा इनसिक्योर देखने को मिलता है, बहुत सारी महिलाएं इंफेक्शन की वजह से इसकी जान जाती है, ऐसी भी रिपोर्ट्स कई बार आ चुकी हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में एक कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट रहता है कि इनके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, बताना भी पसंद नहीं करता है। तो कम से कम आप लोग जो इस लेवल पर आप लोग बैठे, कल को ऑफिसर आप लोग जाकर बनोगे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो अगर आप लोग भी इनके बारे में डिस्कस करने से शर्माओगे तो फिर देखिए ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ाते हैं खासकर बच्चों को, जो भी यहां पर 11th 10th 12th जहां तक भी आप लोग देखा होगा जो बेसिकली ऐसे चैप्टर है वो स्किप कर दिया जाता है, तो ये सही तरीका नहीं है, जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए तभी इनका कोई फायदा है। तो वुमेन जो है जो स्मॉल छोटे छोटे हाउस में रहती हैं, सेपरेट बाथिंग रूम तक नहीं होता है, वहां पर एक चारपाई लगा देते हैं आगे, चारपाई लगाने के बाद में उस पर कुछ चद्दर वगैरह डाल दी तो इधर बैठकर नहा लिए, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो डिफिकल्ट हो जाता है पीरियड साइकिल में इस तरीके से जो पैड वगैरह है ये चेंज करना। तो वरदान साबित हो गए यहां पर उन महिलाओं के लिए जो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, तो इससे जो मासिक धर्म स्वच्छता है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि उनको बीमारी लगती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस तरीके से फैसिलिटी कुछ प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि काफी अच्छा तरीका बोल सकते हैं। तो यहां पर अपने ही तरीका ये अलग इनिशिएटिव है हमारी कंट्री में, जो कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कोई एनजीओ है यहां पर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है, ये शांति नगर लोकेलिटी थाने के अंदर में। तो इसके चलते लगभग 45,000 जो रुपए है यहां पर ये लो कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि लगभग 120 कम्युनिटी टॉयलेट में सिटी के अंदर यूज की जाएगी। तो ये अगर पूरी कंट्री में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने लगे तो कितना अच्छा रहेगा, तो ये फैसिलिटी एक अच्छी फैसिलिटी आप लोग बोल सकते हैं, तो ये कम से कम अप्रिशिएट करने लायक भी है, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और कल को अगर किसी एरिया में जाकर आप लोग डीएम बनते हैं तो ये सारी चीजें इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई जाती है ताकि आप लोग इनको वहां पर भी इंप्लीमेंट कर सको, बिकॉज उस टाइम पर आप लोग के हाथ में पावर रहती है सारी चीजें इंप्लीमेंट करने की, तो वो पावर को यूज कर सको। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है एनवायरमेंट के बारे में, तो एनवायरमेंट के बारे में यहां पर थोड़ा जान लेते हैं, बात की जा रही है इको फ्रेंडली बायो डिजास्टर के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, तो ये है क्या और कौन इसके ऊपर काम कर रहा है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो महाराष्ट्र की जो मेट्रो है और जो डीआरडीओ है, जो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं
जो यहाँ पर टुगेदर वर्क कर रहे हैं कंजर्व करने के लिए वाटर, ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके जो भी यहाँ पर खराब होता है, बर्बाद किया जाता है, और प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वायरमेंट को। उसी के चलते यहाँ पर डीआरडीओ इको फ्रेंडली बायो डिजास्टर यूनिट को इंस्टॉल किया जा रहा है। ये नॉन सीवर जो सैनिटेशन टेक्नोलॉजी को बेसिकली यूज करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक तरीके से जो भी गंदगी है उसको साफ किया जा सके। देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग जाते हैं तो कहीं पर आप लोग जैसे कि गंदगी फैलानी है, तो आप लोग बेसिकली कोशिश करो कि एक गंदगी फैलानी है, सॉरी गंदगी कम करनी है, तो कैसे करो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने केला वगैरह बनाना वगैरह खाया, तो अपने पास में कोई ऐसा पैकेट रखिए उसका छिलका आप लोग डाल सके, ये नहीं कि बस जहां पर उठा के फेंक दिया ऐसे ही। तो थोड़ी सी आदतें सुधारनी पड़ेगी, अपनी कंट्री को भी अपने घर के तरीके से हम लोग को मानना पड़ेगा। जब तक हम लोग इनको ऐसे लेकर चलते रहेंगे कि हाँ नहीं यार बस अपना घर ही साफ होना चाहिए, बाहर साफ नहीं होना चाहिए, तो वहां से बीमारी ऐसे निकल कर आती रहेंगे। तो प्रिवेंशन करना है, प्रिपेयर करना है, रिस्पॉन्स करना है और रिकवरी करनी है। तो उसी के चलते कई सारे ऐसे प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी का, हमारी कंट्री में 2015 में लॉन्च किया गया था, इसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव। याद रखिएगा मेरा मेरा बोला था ना मैंने, तो एक जगह गांव आएगा एक जगह गौरव आएगा, तो जी जी ठीक है। तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था यहाँ पर रिक्वायर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी हमारी कंट्री में, खासकर जो रूरल एरिया में, ठीक है, ताकि अडेप्ट किया जा सके जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज या फिर एडवाइजरी इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, और डायरेक्ट साइंटिस्ट से भी यहां पर डिस्कस करने की बात की जा रही थी किसानों के साथ में, ताकि जो भी चीजें होती हैं उनको लैब से लैंड तक पहुंचाया जा सके। यानी कहने का मतलब ये, आज की डेट में जैसे मान लीजिए मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, और कल को जाकर मैं अपने गांव के अंदर कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं कि हाँ भैया इस ये चीजें अच्छी हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे लगा, अब मैं पढ़ाई के बारे में अगर बात करूं, तो मुझे लगा गांव में यार कोई एक ऐसा एरिया पड़ा हुआ है, इससे पंचायत घर के बारे में बात कर लें। कोई प्रधान आकर पंचायत घर में नहीं बैठता है, मेरे गांव में ही पंचायत घर है, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो प्रधान आकर पंचायत घर में बैठा और वहां पर कोई डिस्कशन चल रहा है। हमेशा अपने घर में ही रहते हैं, वहीं पर ही लोग जाकर उनसे साइन कराते हैं, जो भी काम चलता है वो सारे उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह गांव में जो भी होते हैं उनसे वहीं पर ही जाकर बात करते हैं। तो पंचायत घर जब तक काम इस तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो क्यों ना उस पंचायत घर को एक लाइब्रेरी की तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि बच्चे आए वहां पर और पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्यों नहीं किया जा सकता, आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके कई सारे प्रोग्राम आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके की चीजें अगर आप लोग भी चाहें तो अपने एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जो कि यहां पर एक रेस्पॉन्सिबल बॉडी है, कोऑर्डिनेट कर रही है एग्रीकल्चर एजुकेशन और इसी के साथ में रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट की जा रही है, एक तरीके से जो रिपोर्ट है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आती है, तो इसको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये सारा काम है किस पर्पज से, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके और इसी के साथ में किसे इफेक्टिवली आप लोग चीजों को यूज करते हैं और साफ सफाई रहती है, तो इसीलिए इको फ्रेंडली बायो डिजास्टर यूनिट इसको नाम दिया गया है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और महाराष्ट्र रेल जो है वो मिलकर काम कर रही है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, इसको आप लोग एनर्जी के पॉइंट ऑफ से बोल सकते हैं और इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी बोल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारी कंट्री में आज की डेट में कुछ एनर्जी जनरेट की जा रही है, ठीक है, अगर आप लोग उसको नॉर्मल तरीके से बोलें कि हमारी कंट्री में आप लोग, मैं एनर्जी का सिलेंडर की बात करते हैं, चलिए आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारी कंट्री में 100 सिलेंडर है, यानी कि एक तरीके से जो खाना बनाने वाले सिलेंडर है, ये 100 सिलेंडर हमारी कंट्री में रिक्वायरमेंट इनकी रहती है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोग यहां पर आप लोग घर में, मान लीजिए गांव में 100 घर है, सोनी मान लीजिए गांव में 120 घर हैं, ठीक है, और इस गांव में 100 सिलेंडर जाते हैं, तो 100 सिलेंडर जाते हैं। कई सारे घर ऐसे भी हैं कि एक घर में एक एक महीने में दो दो सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, और कुछ घर ऐसे जिनको सिलेंडर मिलते ही नहीं है। अब आप लोग ये देखिए, एक घर ऐसा है जहां पर सिलेंडर है गैस का, और वहां पर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी रखना उबलना धर दिया, और वो पानी जो है वो उबले जा रहा है, भाई साहब किसी और काम में लग गए, तो क्या हुआ, एक तरीके से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। ये इस तरीके से अगर एक्टिविटी की जा रही है, तो इस घर में एक ही घर में दो सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती है, पर लेकिन अगर इफिशियंटली इसको यूज किया जाए तो एक घर में एक सिलेंडर से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर एक घर में एक सिलेंडर से काम चल गया, तो एक सिलेंडर यहां पर बच गया। अब वो सिलेंडर जो है उस महीने के लिए वो किसी और घर में जा सकता है, यानी कि एक और घर को सिलेंडर मिल सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। फायदा क्या होगा, एक और घर में सिलेंडर मिल जाएगा, और खासकर जिस घर में इसको यूज नहीं किया गया है उस घर में और ज्यादा यहां पर इसका एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि पैसा जो है वो कम खर्चा होगा, तो ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यानी कि कोई चीज अगर आप लोग सेव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इनडायरेक्ट वे में उसको जनरेट कर दिया, अब उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, या फिर अगर यही वाला घर है उसको नेक्स्ट महीने यूज कर सकता है, तो नया सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ेगा। तो सेविंग इज इक्वल टू जनरेटर की जनरेशन की कैटेगरी में आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एनर्जी जनरेट कर ली। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अभी यहां पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको बीईई आप लोग बोलते हैं,
इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया यहां पर 30वां नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो ये अवार्ड यहां पर दिया जा रहा है, इसके लिए फंक्शन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 30वां नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया यहां पर ये, ठीक है। अगर बात करें इस इवेंट में तो स्टैंडर्ड और जो लेबलिंग प्रोग्राम है फॉर एयर कंप्रेसर और इसी के साथ में अल्ट्रा हाई जो डेफिनेशन के जो एच जो यू एच डी टीवी है उनको यहां पर लॉन्च किया गया वॉलंटरी बेसिस पर। मतलब क्या इसका मतलब यह कि एनर्जी कंजप्शन का जो स्टैंडर्ड है उसके इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री में 1 जनवरी 2021 से। तो उसी के चलते कई सारी ऐसी चीजें लॉन्च की जा रही है ताकि एनर्जी को ढंग से हम लोग कंजर्व कर सकें। तो इसी के चलते जो एयर कंप्रेसर है ये बोला जा रहा है कि यहां पर 8.41 बिलियन यूनिट जो है इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर से और इसी के साथ में यूएचडी टीवी यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन जो टीवी है उससे हम लोग 9.72 बिलियन यूनिट तो ये हम लोग सेव कर पाएंगे 2030 तक का। तो जैसे पहले बल्ब यूज करते थे फिर हम लोगों ने सीएफएल यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब एलईडी यूज कर रहे हैं। तो अगर इनमें आप लोग एनर्जी कंजप्शन की आप लोग इनमें कंपेयर करोगे तो काफी लो कंपेयर में एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है एलईडी। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जितनी एनर्जी पहले जनरेट करते थे उतनी एनर्जी में अब और ज्यादा लोगों तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग करिएगा इसको। अगर आगे आप लोगों से बात करूं, एक प्रोग्राम है साथी स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड इसी के साथ में हेडवेज ऑन एनर्जी इफिशियंसी। तो ये स्टेट वाइज यहां पर टारगेट रखा गया, एक तरह का पोर्टल है जो कि स्टेट जो स्टेट के लिए यहां पर फोकस देने वाली जो एजेंसी है उनके द्वारा जो एक्टिविटी है उसके बेस पर ध्यान रखता जाता है यहां पर ये। और ये जो बीई है ये यहां पर डेवलप और मैनेज जो मैनेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एक पोर्टल है नेबली साथी तो जिसको यहां पर ये डेवलप किया जाता है यानी कि इसके द्वारा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहां पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो काम करती है इसमें। तो एनर्जी कंजर्वेशन को स्टेट लेवल तक पहुंचाया जाए और अलग अलग राज्य इसके ऊपर फोकस देकर चले तो हम लोग इसको एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और पता नहीं होना चाहिए इंप्लीमेंट भी आप लोग करिएगा एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है, साथ ही क्या है कौन इसको डेवलप करते हैं अभी न्यूज में किस लिए ये किसके द्वारा यहां पर ये जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ये बेसिकली अभी देखने को मिला फंक्शन। तो कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से, फिर बोलोगे कहां से आ गया यहां से आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर आप लोग एक बार को समझ लोगे कहीं से घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले उसकी औकात ही नहीं होगी क्वेश्चन की आप लोगों से निकल के चला जाए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करिए। बैंकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं, हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बोलते हैं। अभी यहां पर बात की जा रही है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजरी, तो ये क्या है जिसको सीयूएस बोला गया है इसके बारे में बात करूंगा, पहले आप लोग ये समझिए न्यूज क्या है। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है यहां पर ये जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम है एन विश्वनाथन इनकी चेयरपर्सन में यानी इनकी अध्यक्षता में ये फुल टाइम डायरेक्टर देखने को मिलेंगे सेंट्रल बैंक का जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजरी है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं आप कि एक तरीके से किसी चीज को सुपरवाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ प्रॉब्लम जो है उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है, कई सारे बैंक रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा होगा उनकी कमर टूट गई कि भैया बैंक बंद हो गया अब इस तरीके से किसी और बैंक के साथ में उसके फंक्शन जोड़ने पड़ रहे हैं या फिर किसी के साथ में मर्ज करना पड़ रहा है, उन्हें कहते हैं कि बैसाखी का सारा देने की कोशिश की जा रही है उसको बचाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में बैंक न पहुंचे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए यहां पर रेगुलेटरी और जो सुपरवाइजरी स्टाफ है एंट्री लेवल पर ही कंटिन्यूअस बेसिस पर चीजों को स्किल्ड देखी जाएगी उनकी। और हालांकि ये अगर देखा जाए वर्चुअल मोड में मई 2020 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, अब इसको फुल्ली ऑपरेशनल मोड में इसको लाने की कोशिश की जा रही है यानी कि ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अब प्रॉपर वे में इसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये किसका प्रोग्राम है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन सी कमिटी है, क्या करने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे चाहे आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो जहां पर करंट अफेयर आता है वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों से किसी और पेपर में लिखा हुआ करंट अफेयर यहां पर नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए अच्छे लेवल पर जाकर तैयारी करो किसी भी एग्जाम की, उससे एक ऊपर लेवल पर जाकर तैयारी करो ताकि एग्जाम आप लोगों को आसान लगने लगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, यहां पर जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजरी है ये फुल टाइम डायरेक्टर सपोर्ट किया जा रहा है बाय एकेडमिक जो एडवाइजरी काउंसिल है। तो यहां पर जो एस विश्वनाथन है यहां पर ये
ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है जो कि अपॉइंट किया जा रहा है चेयरपर्सन ऑफ AAC यानी कि एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल। और यहां पर जो राबी नारायण मिश्रा साहब हैं ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के, इनको अपॉइंट किया जा रहा है डायरेक्टर ऑफ COS यानी कि कॉलेज ऑफ सुपर जो सुपरवाइजरी। ठीक है, तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर क्या क्या स्किल होनी चाहिए या किस तरीके से स्किल बढ़ानी है, क्या प्रोग्राम बनाने हैं, क्या करिकुलम रखना है, किस तरीके से प्रोग्राम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिस को लेकर आना है ताकि ये सारी चीजों को फोकस किया जा सके, तो इनके ऊपर यहां पर ये काम करने वाले हैं। तो यानी कि एक तरीके से बैंक की खस्ता हालत को सुधारने की कोशिश की जा रही है, मोटे मोटे तौर पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये जो सर्वे है यहां पर ये बात कर रहा है एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है अभी यहां पर रिसेंटली, तो उसके बारे में बात की जा रही है जिसको बोला गया है लेडार एयर ग्राउंड सर्वे। तो ये जो स्टार्ट किया गया है LIDAR एयर ग्राउंड सर्वे, ये हाई स्पीड रेल जो वर्क करेगी यहां पर एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया में दिल्ली से लेकर वाराणसी जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो यहां पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। तो ये जो LIDAR है ये एक तरीके से लाइट डिटेक्शन एंड जो रेंजिंग सर्वे है वो यहां पर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड जो रेलवे कॉरिडोर है उसके लिए एनालिसिस किया जा रहा है। तो यहां पर अभी यहां पर आप लोग देखते हैं पिक्चर में हेलीकॉप्टर भी आप लोगों को दिख रहे हैं, तो ग्रेटर नोएडा से ए हेलीकॉप्टर जो यहां पर बेसिकली पर्टिकुलर एरिया को एयर लिडार की हेल्प से यहां पर चेक करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आप लोग हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में मिलकर जो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो सर्वे है नॉर्मली आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बताता हूं, जहां पर हमारे खेत हैं गांव के अंदर वहां पर काफी सालों पहले सर्वे किया गया था कि वहां के बीच में से रेलवे की लाइन निकाल कर जाएगी, और बीच बीच में भी कई बार वहां पर लोग आते रहते हैं कि भैया यहां से रेलवे की लाइन जाएगी होते हुए, तो जिनकी भी जमीन उसके अंदर आएगी तो वहां पर बोला जाता है कि उनको कुछ पैसा दे देंगे और यहां से रेलवे की लाइन निकाल कर लेकर जाएंगे। हालांकि मेरे खेत से थोड़ा डिस्टेंस पर है तो उसके चलते वहां पर काफी लंबे समय से जब तो हम जो छोटे छोटे थे तब से मैं चीज सुनता हुआ रहा हूं, तो वो सर्वे चल रहा है कि भैया आएगी आएगी, पता नहीं कब तक आएगी, जब भी आएगी वो देखा जाएगा। पर लेकिन अगर हम लोग आज के में टेक्नोलॉजी का यूज करके झट मंगनी फट भी वाली बात नहीं होती कि फटाफट सर्वे करो और तुरंत प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करो, तो टेक्नोलॉजी इतना फायदा पहुंचा देती है, जो काम 10 से 12 महीने में हो रहा था अब ये टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सर्वे वगैरह ये 3 से 4 महीने में यहां पर हो रहा है, तो ये होता है टेक्नोलॉजी का फायदा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर दिखाया गया किस तरीके से अगर हेलीकॉप्टर का यूज करके आप लोग सर्वे यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बड़े एरिया का कम टाइम में सर्वे आप लोग कर सकते हैं। GPS वगैरह भी यहां पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेजर स्कैनिंग को यूज किया जाता है, डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजें नापनी नहीं पड़ती है, सारा डेटा यहां से मिल जाता है। इसी के साथ में कई सारी और इंफॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलेगी ये इस स्लाइड के अंदर में। लाइट डिटेक्शन और जो रेंजिंग है यहां पर, ये जब आप लोग यहां पर हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि ज्यादा ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करना है, ऊपर से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्योंकि लेजर स्कैनर और इसी के साथ में स्पेशलाइज जो GPS रिसीवर है वो यहां पर यूज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इसके चलते हम लोग और अच्छे लेवल पर चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, इसमें लाइट पल्सेस वगैरह जो है डेटा रिकॉर्डेड यहां पर किया जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत, और 3-डायमेंशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, यानी कि आप लोग 2-डायमेंशन में नहीं 3-डायमेंशन में काम करोगे, और इसे अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, अर्थ की जो शेप है उसको भी हम लोग प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आज के दिन में हम लोग चीजों को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करके चलें तो हम लोग अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं आसानी से, तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, यह है पर्सन न्यूज के बारे में और बात की जा रही है यहां पर यह तुरल पट्टी तुरल पट्टी कुटुंब राव, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है 2021 में, ये इंडियन जर्नलिस्ट थे और इसी के साथ में तेलुगु लैंग्वेज से यहां पर कनेक्ट थे। इनके द्वारा लगभग 4000 इनके बात करें तो रिपोर्ट किया गया, इनके द्वारा रिटर्न की गई है 4000 के करीब जो बायोग्राफीज है, उसी के साथ में 16000 के करीब जो पब्लिक स्पीसीज है तेलुगु, इसके साथ में रिकॉर्ड किए गए इनके द्वारा बाई तेलुगु बुक रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरीके से भी इनके नाम मेंशन है। ठीक है, अगर बात करें इनके बारे में तो ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के उनके, और इनके द्वारा जो बोला गया था कि लैंग्वेज के बेस पर राज्य होना चाहिए तो इनके द्वारा भी उस चीज को सपोर्ट किया गया। इसी के साथ में जो बात करें गार्डन ऑफ तेलुगु, यानी कि जो तेलुगु है उसके गार्जियन की तरीके से भी इनको देखा जाता है, जो खासकर फ्रॉम सी राजगोपालचारी जो गवर्नर थे उनसे इनको यहां पर ये अवार्ड भी मिला गार्जियन ऑफ तेलुगु। ठीक है, तो यानी कि काफी लंबे समय से इन्होंने इस लैंग्वेज के साथ मिलकर काम किया है। 2002 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, जो पहले जर्नलिस्ट थे आंध्र प्रदेश से जिनको ये अवार्ड मिला। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, रिसेंटली अब इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये था यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आज के हमारे आर्मी स्टार है तुषार, काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं, आप भी इसी तरीके से आंसर देते रहिए। पहले तो इन्होंने एक कोटेशन के बारे में बात की है और ये है क्वेश्चन।
एस्ट्रॉइड के बारे में आप लोगों से पूछा था, जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट नॉर्मली, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर पेपर उठाकर देखोगे। ब्रिक बोलते हैं ब्राजील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो ये जो ब्रिक कंट्री यहां पर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये फॉर्म किया गया था बेसिकली 2009 में, ठीक है, 2009 में। बाकी इसके बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को जानने को मिलेगा कि साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में इसको ऐड किया गया। अभी 12th इसकी ब्रिक समिट देखने को मिली और ये पहली वर्चुअल समिट थी जो कि रसिया के द्वारा होस्ट की गई। तो इसका टाइम भी चेंज हुआ, पहले कुछ और टाइम था, बाद में चल के कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो 13वीं ब्रिक की समिट होने वाली है वो हमारी कंट्री होस्ट करने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। जिसके साथ में ब्रिक गेम्स की भी बात की जा रही है 2021 में, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर इस तरीके से आप लोग इसको देखकर चलते हो तो आप लोग अगर जाकर देखोगे किसी न किसी कुछ ना कुछ फोकस एरिया रहता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से अगर इसके बैंक के बारे में बात करें, ब्रिक बैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ब्रिक बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को संघाई में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली जो कंट्री है उनको किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ फायदा पहुंचाना है, तो ये यहां पर ब्रिक बैंक काम करता है। इसी के साथ में H1B वीजा के बारे में आप लोगों से बात की थी, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले H4 वीजा, यानी कि H1B वीजा के हस्बैंड जो या फिर वाइफ या फिर जो बच्चे हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये वीजा USA के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों के सामने क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो फिर से आप सभी को, आप सभी के परिवार को और अपने सभी परिवार को हैप्पी लोहरी, अच्छे से एंजॉय कीजिए। इकोनॉमी के बारे में जाना हम लोगों ने, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात की डिटेल में, बैंकिंग जो न्यूज थी यहां पर इसमें जाना हम लोगों ने, जो यहां पर कॉलेज ऑफ सुपरवाइजरी क्या था, कौन कौन यहां पर चेयरमैन और डायरेक्टर हैं, सारी चीजें समझी। डिफेंस के बारे में इंपॉर्टेंट था यहां पर सी विजिल 21, इसी के साथ में हम लोगों ने डिफेंस के साथ में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो है यहां पर ट्रोपेक्स, ये एक्साइज क्या है इसके बारे में जाना डिटेल में समझी। रिपोर्टर इंडेक्सेस में हम लोगों ने यहां पर जो LIDAR के बारे में जाना, क्या क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी समझी। ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने यहां पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में जाना, कौन हमारी कंट्री में इसको लेकर आता है वो सारी चीजें, और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ये समझा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है, वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं, पर लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में, ठीक है, तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहां पर, चाहे तो आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर, टेलीग्राम पर भी ये पीपीटी मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सके। हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो यहां पर काम करती है, जो नेशनल हाईवे उनको मेंटेन रखने में, 1988 में इसको बनाया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 का एक्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। योगेंद्र नारायण ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे NHAI के 1988 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मोटो काफी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग बस ओनली रोड नहीं बना रहे, हम लोग देश बना रहे हैं, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, ठीक है। इसी के साथ में ये मिलकर काम करती है इसरो के साथ में ताकि मैप कर सके हाईवे को, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखना, ठीक है। बाकी अगर आगे बात चलते हैं, ये कई सारी न्यूज ना वैसे डिस्कस करूंगा रिव्यू में, और कई सारे क्वेश्चन ना वीडियो के एंड में पूछा करूंगा ताकि आप लोग छोड़ के ना भागा करो। आपको तो ये लगता है कि निकल लेते हैं कई सारे, मैंने कहा यहां मेहनत कर रहे हैं भाग्य छोड़ के, यार ये ऐसे मत किया करो, आपके लिए ये चीजें। डिजिटल कैलेंडर डायरी के बारे में जानी, कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल जो बेसिकली न्यूज थी, पीरियड रूम के बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा। एनवायरमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की, इको फ्रेंडली बायो जो बेसिकली बायो डिजास्टर यूनिट है, इसी के साथ में एक पर्सन ही न्यूज में हम लोगों ने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन समझी। तो ये था आज का डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने क्विज जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके साथ में मिलकर जो 30वां नेशनल एनर्जी जो कंजर्वेशन अवार्ड है वो फंक्शन उसके बारे में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसी के साथ में पेन दूसरा लेते हैं, ये कई बार समझ में नहीं आता, अब समझना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये किसके बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहां पर कौन चेयरपर्सन यहां पर बन रहे हैं इसके बारे में बताना है, एडवाइजरी जहां पर एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, तो ये बताना है। इसी के साथ में जो एक्साइज के बारे में बताना है, इसका नाम क्या है जो कि रिसेंटली अभी देखने को मिल रही है, कौन सी मिनिस्ट्री IDP के बारे में बात करती है बताना है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उसके द्वारा यहां पर अभी ये एक पर्टिकुलर स्टोर डेटा करता है जो कि ऑल व्हीकल के बारे में, तो इसका नाम क्या है। कौन सी मिनिस्ट्री है, डिजिटल कैलेंडर और डायरी के जो डायरी के बारे में बात करिए ऐप के बारे में। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर जो बेसिकली जो कंजेस्टेड एरिया है स्लम एरिया, तो वहां पर जो पीरियड साइकिल होती है उससे रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, इसको पर्टिकुलर रूम को क्या नाम दिया गया है, मेरा इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। आई होप कि अब आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए आप लोगों से ना इतनी बार चीजें हो जाती हैं, पहले वीडियो के स्टार्ट में एक बार रिवीजन हो गया, फिर वीडियो के बाद में एक बार रिवीजन हो गया, फिर कल जब आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो कल का रिवीजन हो गया, यार 3-4 बार तो मैं ही आप लोगों का रिवीजन करा दे रहा हूं। एक बार आप लोग खुद से उसके ऊपर को नजर डालो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन बचेगा आप लोगों का? आप लोग जो लापरवाही बरतते हैं ना, एक दिन वीडियो देखी फिर बाद में
स्किप कर दी, ये काम मत करना, ठीक है। मैंने देखा कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सितंबर महीने की नैनो देख रहे हैं बैठकर, द हिंदू न्यूज़पेपर देख रहे हैं बैठकर, पॉलिटिकल रिवीजन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं डेडिकेशन। मान लो कि किसी दिन कोई काम पड़ गया, सही है, समझ में आता है यार, सबको काम पड़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को उसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। मुझे भी काम पड़ते हैं, लेक्चर आते हैं ना, फिर भी आप लोगों के सामने डेली, कभी कहीं निकलना पड़ जाता है, कुछ और इमरजेंसी पड़ गई, कभी कोई और दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है, कोई कोई आ गया घर पर, तो कई सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से सबकी लाइफ में होती है, पर लेकिन यू शुड नो हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। आप लोगों को प्रेफरेंस देना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। नेशनल यूथ डे, ये की थीम क्या थी ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री ने थर्ड मल्टीलेटरल डायलॉग अभी देखने को मिला कोविड-19 को टैकल करने के लिए और इकोनॉमी को भी फोकस किया। कमेटी का नाम बताना है जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2020 में इंडिया हेड करने वाला है। कौन सा प्रदेश है यहां पर जहां पर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वेनेडियम के बारे में, तो वी सिंबल है और 23 इसका एटॉमिक नंबर था। लार्जेस्ट डिपॉजिट है चाइना के अंदर और अपने आप ही खाता है 57% और 44% अपने आप खाता है, 57% प्रोड्यूस करता है। दो कंट्री कौन है इसके अलावा बताना है। हम लोगों ने जगन्नाथपुरी के बारे में बात की थी, तो एक और नाम है काफी इंटरेस्टिंग जो मैंने डिस्कस किया था वो बताना है आप लोगों को। हम लोगों ने बात की थी यहां पर मीटोरॉइड्स के बारे में, तो इसको जब यहां पर ये एटमॉस्फेयर से होता हुआ ग्राउंड पर जाकर गिरता है इसको क्या बोलते हैं। हम लोगों ने बात की थी यहां पर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड यहां पर वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात थी ये आप लोगों को बतानी है। आंसर देख लेते हैं। पहले यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, ठीक है, जिसे नेशनल यूथ डे के रूप में। चाइना के बारे में बात की थी, चाइना ये पहले रायता फैला दिया, अब उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म कमेटी को इंडिया 2020-2022 में यहां पर एक तरह से चेयर करेगा, तो पाकिस्तान के लिए देखते हैं क्या क्या मुसीबत हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो सुधरे। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने बात की थी वेनेडियम के बारे में। लार्जेस्ट जो डिपॉजिट है वेनेडियम का चाइना है, लेकिन रशिया और साउथ अफ्रीका दूसरे और तीसरे नंबर पर है। यमनी का तीर्था, इसके बारे में बात की थी, इसको बोला जाता है जगन्नाथपुरी से रिलेटेड इसका यह भी नाम है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो यम है वो भी यहां पर आकर नलीफाई हो जाते हैं जब यहां पर जगन्नाथ जो यहां पर लॉर्ड जगन्नाथ के एरिया में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। पहले इसको मेटेराइड्स बोलते हैं, फिर इसको मेटेराइड्स बोलते हैं जब ये धरती पर आकर गिर जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का यहां पर NCAVES, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों को लेक्चर सुनने के बाद में लगा कि यार पीडीएफ इसकी होनी चाहिए, तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी जो कि नॉर्मली लेक्चर के अंदर चीजें कवर नहीं की जाती है कई बार ऐसी, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, या नहीं होती है कोई ऐसी छोटी मोटी चीज जो आप लोगों को लगता है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो कई सारी चीजें यहां पर मिल जाती हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर 1,00,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, 1,00,000 से 1,25,000 के करीब लगभग मेंबर है, तो आप लोग पार्ट बन जाइए। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और ये चीजें अगर आप लोग अच्छी लग रही है तो दूसरों के जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा देखने को मिल सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।